गुड मॉर्निंग, जय श्री स्वामी नारायण। हिंदी में आज हम स्वर का पठन करेंगे और स्वर को लिखना सीखेंगे। पहले हम स्वर का पठन करेंगे। स्वर अ से अह, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से ईक, ऊ से उल्लू, बड़ा ऊ से ऊं, रि से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐना, ओ से ओखली, औ से औरत, अंग से अंगूर, अह। अ आ, ई ई, उ उ, रि, ए ऐ, ओ औ, अम, अह। अब हम स्वर को लिखना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली, क्या है ये? ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली, एक लाइन छोड़कर लिखना है। ऐसे आपको लिखना है ओ। ये बन गया ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली, फिर से थोड़ी जगह रखकर लिखना है। ओ, ये है ओ। ओ से ओखली। ये है ओ। ओ से ओखली, एक लाइन छोड़कर फिर से लिखना है। ये है ओ। ओ से ओखली, ऐसे आपको पूरे पेज में लिखना है ओ। ओ से ओखली, ओ से ओखली। अब हम लिखेंगे स्वर अ से ओ। अ से ओ, एक लाइन छोड़कर ये है अ। ये है अ। अ से अनार, अ से अनार, अ के बाद क्या आता है? आ। ये है आ। आ से आम, आ से आम, अ से अनार, आ से आम। आ के बाद ई। ये है ई। ई से इमली, ई से इमली, ई के बाद बड़ी ई। ये है बड़ी ई। बड़ी ई से ईक, बड़ी ई से एक। अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी ई से एक। अ, आ, ई, ई, फिर एक लाइन छोड़कर लिखना है।
ई के बाद आएगा ऊ, उसे उल्लू, उसे उल्लू, ऊ के बाद बड़ा ऊ, बड़ा उसे ऊन, बड़ा उसे ऊन, उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन। अब ये है री, री से ऋषि, री से ऋषि, री के बाद ए, ये है ए, ऐसे एडी, ऐसे एडी, उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊ, ऋषे ऋषि, ऐसे एडी। ए के बाद ऐ, ऐसे ऐनक, ये है ऐ, ऐसे ऐनक, ऐसे ऐनक। ऐ के बाद ओ, ये है ओ, ओ से ओखली, ओ से ओखली, अ से अनार, आ से आम, ई से इमली, बड़ी इसे ईख, उसे उल्लू, बड़ा उसे ऊन, री से ऋषि, ए से एडी, ऐ से ऐनक, ओ से ओखली, ओ से ओखली, अ आ, ई ई, ऊ ऊ, री, ए ऐ ओ। इस तरह आपको अ से ओ तक लिखना है। अब हम एक कविता सुनेंगे। कविता का नाम है कुहू कुहू। कोयल बोले कुहू कुहू, कोयल बोले कुहू कुहू, छिपकर बोले कुहू कुहू, छिपकर बोले कुहू कुहू, सुरमे बोले कुहू कुहू, सुरमे बोले कुहू कुहू, लय में बोले कुहू कुहू, लय में बोले कुहू कुहू, रुक रुक बोले कुहू कुहू, रुक रुक बोले कुहू कुहू, रह रह बोले कुहू कुहू, रह रह बोले कुहू कुहू। फिर से एक बार, कोयल बोले कुहू कुहू, छिपकर बोले कुहू कुहू, सुर में बोले कुहू कुहू, लय में बोले कुहू कुहू, रुक रुक बोले कुहू कुहू, रह रह बोले कुहू कुहू। इस तरह आपको कविता सुनकर याद रखनी है। थैंक यू।